एपिसोड 49 की स्टार्टिंग होती है और युची सोचता है सिनेन शिंग का बॉयफ्रेंड है। फिर जियांग बोलता है, मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम 3 साल से अलग थे, वो तुम्हारा वेट नहीं करती, भूल जाओ, आज रात चलेंगे अपन मज़े करने। फिर युची बोलता है, जियांग तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैरिड कपल भी डाइवोर्स लेके सब खत्म कर लेते हैं, ये तो सिर्फ डेट कर रहे हैं, कोई नहीं जानता ये दोनों कब अलग हो जाएंगे। फिर जियांग सोचता है, ये कितना डरावना है। फिर जियांग युची को मारता है और युची पूछता है, तुम अचानक से मारने क्यों लग गए। फिर जियांग बोलता है, तुमने अभी बहुत ही बेपरवाह तरीके से एक भयानक बात बोली है। फिर युची सोचता है, जैसे उसकी मॉम ने उसके डैड के अलावा किसी और को पसंद किया, वैसे ही शिंग अब किसी और को पसंद करती है। और जियांग फिर से युची को मारता है, बस कर भाई, सर तोड़ेगा क्या। फिर जियांग बोलता है, मैं तुझे उस टाइप का इंसान नहीं बनने दूंगा, तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें उस टाइप का बिहेवियर से सबसे ज़्यादा नफरत है ना। फिर युची बोलता है, तुम नहीं जानते शिंग मेरे लिए क्या है, मैं अब क्या करूँ, क्या मैं अभी भी उसे पसंद करूँ, मैं अभी भी उसे बहुत पसंद करता हूँ। फिर जियांग बोलता है, ठीक है उसे पसंद करते रहो, एक दिन तुम्हारी फीलिंग्स अपने आप गायब हो जाएगी, और टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। फिर वो दोनों वापस जाते हैं और बोलते हैं, सॉरी तुम इंतज़ार कराने के लिए। फिर शिंग बोलती है, ओह तुम लोग वापस आ गए। फिर युची बोलता है, एक्चुअली मैंने तुम्हें खाने के बहाने इस साल होने वाले कॉम्पिटिशन के बारे में बताने के लिए बुलाया है। शिंग क्या तुम्हें अभी भी एडिटर डैंग याद है, उन्हें पहले तुम्हें कॉन्टेक्ट करना चाहिए था। फिर शिंग बोलती है, मिस्टर डैंग हाँ मैं जानती हूँ, क्या इस साल भी कोई कॉम्पिटिशन है। फिर युची बोलता है, हाँ उन्होंने कुछ टाइम पहले ही जियांग और मुझे कॉन्टेक्ट किया था, अभी भी कॉम्पिटिशन पब्लिक नहीं हुआ है लेकिन डेट सेट कर दी गई है, मिस्टर डैंग चाहते हैं कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें, और उन्हें कहा था कि ये हम तुम्हें बता दें। और हाँ ये है जियांग, ये ब्रॉन्ज अवार्ड विनर है उस कॉम्पिटिशन का, और ये मेरा रूममेट भी है। फिर जियांग हेलो बोलता है और शिंग बोलती है, हेलो जियांग तुमसे मिलके अच्छा लगा, और मुझे भी उस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है। फिर युची बोलता है, चलो तो फिर साथ में कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, वैसे भी हम दोनों का सेम ही मेजर है, हम एक ऑफिस के लिए भी अप्लाई कर देंगे जिससे कि हम वहाँ ज़्यादा फोकस कर पाएँ। फिर शिंग बोलती है, ठीक है मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, चलो अपने पैशन को आग लगाते हैं। फिर युची हंसता है और बोलता है, ठीक है तो ये तैरा। फिर उसने शिंग को देखता है और सोचता है, इसके पहले मैंने इसे बड़ी मुश्किल से इतना खुश और एक्साइटेड देखा था, वो भी किसी चीज़ के लिए। फिर युची बोलता है, कॉम्पिटिशन हमारा पूरा ध्यान खींच रहा है, शिंग पिछले कुछ दिन तुम कैसी रही। फिर शिंग कुछ बोल ही रही थी तभी सिनेन बोलता है, चिंता मत करो मैं उसके साथ था, ये लड़की एक बच्चे की तरह रोज खुश रहती है। फिर शिंग थोड़ा शर्मा जाती है और युची इसकी जल रही है बहुत खतरनाक तरीके से। फिर शिंग सिनेन को एक पंच मारती है और बोलती है, बेवकूफ सिनेन हम अभी पब्लिक में हैं, तुमने अचानक से ऐसा क्यों किया। फिर सिनेन बोलता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। फिर शिंग बोलती है, तुम ये दूसरों के सामने मत किया करो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही। फिर सिनेन बोलता है, क्या बकवास है ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। फिर युची सोचता है, ये लोग अचानक से मेरे सामने ऐसा क्यों कर रहे हैं। सिनेन तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हें बाद में अजीब लगेगा तो फिर ये सब मत बोलो, और अब ये लोग फ्लर्ट क्यों कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। कमेंट में बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने कमेंट नहीं किया था ऐसा क्यों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड जल्दी आएगा। बाय बाय।